वो है आयशा लड़की जिसने एक डांस किया अपने दोस्त के इवेंट पे। वो डांस तो नहीं बोलेंगे, वो एक मुजरा बोलेंगे। ये लड़की जो वायरल हुई है पूरी दुनिया में, इसने एक मुजरा करके अपने आप को वायरल किया है। और एक ऐसा लड़का जिसने 29 मेडल्स जीते, वलीद, मॉर्निंग शो में बुला के उसका इंटरव्यू किया गया। पता नहीं क्या क्या चीज़ें की गई कि उस लड़की को 2 दिन में 2 करोड़ रुपए दिए गए। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिनते जहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मेरी बहन हया कर, यूं जिस्म को दिखा कर, सर से रदा हटा कर, खुद को सजा कर, सड़कों पर मत चला कर, मेरी बहन हया कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वायरल किया हुआ है। वो है आयशा लड़की जिसने एक डांस किया अपने दोस्त के इवेंट पे। वो डांस तो नहीं बोलेंगे, वो एक मुजरा बोलेंगे, क्योंकि वो एक मुझे मुजरा दिखा। उसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी है और काफ़ी सारी बातें हैं। देखिए, मैं किसी पे टॉन्ट नहीं करता, ठीक है, बट मैं इस पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये लड़की जो वायरल हुई है पूरी दुनिया में, इसने एक मुजरा करके अपने आप को वायरल किया है। और एक ऐसा लड़का जिसने 29 मेडल्स जीते, वलीद, शायद ही ये वीडियो देखने वाले आप लोग जो हैं वो शायद ही कोई जानता हो उसको। वलीद लड़के ने जिसने 29 मेडल्स जीता, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसको दुनिया में वायरल नहीं किया गया। उस लड़की को मॉर्निंग शो में इस तरह बुलाया गया जिस तरह उस लड़की ने बहुत बड़ा नाम कमाया हो, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया हो, उसको मॉर्निंग शो में बुला के उसका इंटरव्यू किया गया। पता नहीं क्या क्या चीज़ें की गई, यहाँ तक के सुनने में आया कि उस लड़की को 2 दिन में 2 करोड़ रुपए दिए गए, उसको इतना सपोर्ट किया गया। और जिस लड़के ने MBBS किया, इतना मेहनत किया, उसको सपोर्ट नहीं किया गया। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोग एक डांस तो शेयर करते हैं, एक डांस को तो वायरल करते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ को हम लोग वायरल नहीं करते। उस लड़के ने 29 मेडल्स जीता, सोशल मीडिया में उसकी वीडियो आई, लेकिन किसी ने उसको वायरल नहीं किया, उसकी वीडियो शेयर नहीं की हम लोगों ने। उस लड़की की वीडियो इतनी शेयर की कि वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। एक मुजरा करने वाली लड़की जिसने बहुत गंद फैलाया हमारे माशरे में, और वो अभी और भी फैला रही है। तो इसी में मैं कुछ लाइन लिखा था, वो आप लोगों को लाइन सुनाते हुए चलूं। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिनत जहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मेरी बहन हया कर, यूं जिस्म को दिखा कर, सर से रदा हटा कर, खुद को सजा कर, सड़कों पर मत चला कर, मेरी बहन हया कर। औरत तो वो है जो के हर गैर की नज़र से खुद को बचाए रखे, जामे में अपने आकर, मेरी बहन हया कर। इस्लाम का एक कहना ईमान में खलल का, बाइज है तेरा जलवा मर्दों पे ये अता कर, मेरी बहन हया कर। इस्लाम ने कहा है कि अकल से हया है, बेअकल है क्या है ये सोच कर बता कर, मेरी बहन हया कर। अजमत वक्कार आफियत पर्दे की है बदौलत, पर्दा है तेरी इज्जत, इज्जत को रख बचा कर, मेरी बहन हया कर। तेरी ये कच अदाई तेरी ये बेहयाई, तेरी ये कच अदाई तेरी ये बेहयाई, शोहर से बेवफाई शोहर से तो वफा कर, मेरी बहन हया कर। ये गुना अकबर दुनियाई बद से बदतर, दोजक तेरा मुकद्दर है दोजक से तो डरा कर, मेरी बहन हया कर। पर्दे में रह के जितनी तू चाहे कर तरक्की, पर्दे में रह कर जितनी चाहे कर तू तरक्की, हायल नहीं है कोई भाई की तो सुना कर, मेरी बहन कुछ तो हया कर। ये सुनाने का मकसद ये था कि उस लड़की ने जो बेहयाई की है सबके सामने और उसको इतना ज़्यादा वायरल किया गया। बस मैं क्या ही कहूँ कि उस लड़की को इतना वायरल किस लिए किया गया, सबसे पहला सवाल। उस लड़की ने मुजरा किया इस वजह से, उसने डांस किया इस वजह से, इस लड़के ने इतना बड़ा काम किया, इसको किसी भी टीवी में नहीं बुलाया गया,
किसी मॉर्निंग शो में नहीं बुलाया गया, किसी न्यूज़ में बुलाया नहीं गया। अगर इस लड़के को किसी मॉर्निंग शो में बुलाया जाता तो वो लड़का अगर कुछ भी बताता वो हम लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद होता। हम लोग उस लड़के को सुनते, उस लड़के को समझते। कितने बच्चे हैं जो अभी 9 मैट्रिक 8 में पढ़ रहे, उनके अंदर कोई न्यू शौक पैदा होता, क्योंकि 29 मेडल्स हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। बस क्या ही कहूँ कि ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोगों ने उस लड़के को सपोर्ट नहीं किया। बहुत बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा ही शर्म की बात है कि वो लड़का उस तरह वायरल नहीं हुआ जिस तरह ये लड़की मुजरा करके वायरल हुई। उस लड़के ने दिन रात मेहनत की, उससे हम लोगों ने नहीं पूछा। अगर मैं अभी उसकी पिक्चर किसी के पास लेकर जाता हूँ और पूछता हूँ इस लड़के ने क्या किया, बहुत ही शर्म की बात है कि कोई चंद ही लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, बाकी इस लड़के को कोई नहीं जानता। अगर मैं उसी जगह उस लड़की की पिक्चर लेकर जाऊँ और किसी से पूछूँ कि आप इसको जानते हो, सारे कहेंगे हाँ इस लड़की ने तो इस गाने में डांस किया था, हम लोग इसको जानते। बस ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने आज तक किसी पे टॉन्ट नहीं किया। ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, वलीद के साथ हूँ, उसको मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा और उसको जहाँ तक होगा मैं उसको आगे लेकर जाऊँगा, उसको एनी टाइम सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया। उस लड़के ने MBBS किया हुआ है, उस लड़के ने हिस्से कुरान किया हुआ है, उस लड़के को मैं सपोर्ट करते रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हुई हो तो माजरत चाहता हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।